क्या आपके बाल तेजी से गिर रहे हैं या फिर आपके बाल थिन हो रहे हैं? Stay with us. आज हम बात करेंगे हेयर लॉस ट्रीटमेंट विद पीआरपी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे रेड बटन है, उसको प्रेस करें। सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा, उसको प्रेस करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। माई नेम इज़ डॉक्टर कमल काकर एंड आई एम स्किन स्पेशलिस्ट, और उसके साथ साथ मैं एक एस्थेटिक कंसल्टेंट भी हूँ। आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ पीआरपी इन हेयर लॉस, ख़ासतौर से मेल एंड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के बारे में। मेल या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं, इसमें मर्दों में सर के बाल, ख़ासतौर से ये इतने हिस्से के जो बाल हैं, ये थिन हो जाते हैं और ऐसे ऐसे थिन हो के बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, स्किन बिल्कुल बाल्ड हो जाती है। और फीमेल्स में उनका जो मांग है वो चौड़ी होनी शुरू हो जाती है और उनका हेयर लाइन पीछे होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए सबसे पहले जानेंगे कि हमारे जो हेयर है उसकी लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस होते हैं। ग्रोथ फेज, जो कि एक जिसका एवरेज ड्यूरेशन है 2 साल, जिसमें बाल ग्रो करता रहता है और वो अपनी लेंथ अचीव करता है। इसके बाद जो दूसरा फेज़ है, जिसमें बाल सर पे तो टिका रहता है मगर झड़ता नहीं है और मज़ीद ग्रो भी नहीं करता। फिर एक और फेज़ आता है जिसके अंदर बाल झड़ जाता है। बालों की इस लाइफ साइकिल पे मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनका इम्पैक्ट होता है या इन्फ्लुएंस होता है। उसमें से एक तो ये है कि जी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, कि अगर आपको ये बाल्डनेस फैमिली में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी मुतासिर हो सकते हैं। दूसरा, एंड्रोजेंस, जो कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, उनका भी जो है वो इसमें रोल होता है। ख़ास तौर से जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, विच इज़ इम्पोर्टेंट एंड्रोजन, वो आपके इस एरिया पे जो बाल हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता थिन कर देता है, मिनिएचराइज कर देता है, यानी कि बाल ऐसे ऐसा पतले हो जाते हैं और फिर एक वक्त आता है कि वो ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से जल्द बिल्कुल चिकनी हो जाती है। अब ये एंड्रोजेंस करते किस तरह से हैं कि ये एक तो जो ग्रोथ फेज़ है जो कि 2 साल का अरसे पे होता है, उसको शॉर्ट करते करते कम कर देते हैं, यानी कि 3 महीने तक, से फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने तक उसका ड्यूरेशन शॉर्ट कर देते हैं। यानी कि जो बाल नया आता है और वो 2 साल तक ग्रो करता, अब सिर्फ 3 महीने तक ग्रो करेगा और झड़ जाएगा। फिर उसकी जगह जो नया बाल आएगा वो पहले वाले से थिन होगा। सो ग्रेजुअली थिनिंग होना शुरू हो जाती है और बाल्डनेस हो जाती है। फीमेल्स में भी बिल्कुल इस तरह से ही होता है। तो आप जानते हैं कि पीआरपी का क्या रोल है इस पैटर्न हेयर लॉस में, वो किस तरह से इफ़ेक्टिव है। पीआरपी क्या होता है? पीआरपी इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि आपके ब्लड का वो पार्ट जिसमें प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन हाई होती है, ज़्यादा होती है। प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो एग्जर्ट करते हैं और जो टिश्यू हैं या जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी रीजनरेशन करते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जब सर की स्किन पे इंजेक्ट करते हैं बालों की रूट्स में, तो ये हेयर फॉलिकल को रीजनरेट करते हैं। स्टेम सेल्स जो कि बाल बनाते हैं उनको प्रमोट करते हैं और बालों की ग्रोथ में इजाफा होता है। इसके साथ साथ ये जो हेयर फॉलिकल है उसकी वैस्कुलैरिटी को भी इम्प्रूव कर देता है और जो डोमेंट हेयर फॉलिकल्स हैं उनको भी एक्टिवेट करता है ताकि उसमें भी बाल ग्रो कर सके। तो इस तरह से ये रिवर्स कर देता है जो पैटर्न हेयर लॉस है उसके प्रोसेस को, यानी कि जो बाल थिन हो गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता से फिर से थिक होना शुरू हो जाते हैं और उनका जो ग्रोथ फेज़ है उनकी लाइफ साइकिल का वो भी इम्प्रूव हो जाता है। इसके मुख्तलिफ सेशंस लेने पड़ते हैं। शुरू में 1 or 3 monthly लेना पड़ता है, फिर जब आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाती है और बेटर रिजल्ट्स या डिज़ायर्ड रिजल्ट जो हैं जब आप अचीव करते हैं, तो उसके बाद मेंटेनेंस की जाती है 6 monthly या फिर 1 yearly। ये मेंटेनेंस जब तक आप करते रहेंगे तो आपके जो बालों का ये जो प्रॉब्लम है पैटर्न हेयर लॉस, ये मेंटेन रहता है।
ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट. ये आपके इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, उसकी प्रोग्रेस को, लेकिन ये उसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है कि आपने एक या दो सेशंस ले लिए तो अब आप क्योर हो गए, अब आपको अगर आप नहीं लेंगे ट्रीटमेंट तो ये प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा. सो यू हैव टू मेंटेन इट. इसके अलावा इसके जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन. कुछ लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और जल्दी आ जाते हैं, जबकि कुछ लोगों में मल्टीपल सेशंस के बाद इम्प्रूवमेंट आती है. इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अगर आप इसको कंबाइन करें अदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के साथ तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं. जैसे कि मिनोक्सिडिल, आप मिनोक्सिडिल हेयर स्प्रे की फॉर्म में आता है वो आप यूज़ करें. इसके साथ आप जो फिनेस्टेराइड मेडिसिन है जो कि एंड्रोजन को ब्लॉक करती है वो आप ओरली लेते रहें, और मल्टी वाइटमिन्स का इस्तेमाल करें. तो साथ में इस पीआरपी का फिर अच्छा बेहतर रिजल्ट आता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीआरपी. उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर स्किन.